हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा ये इरीगेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूब वेल इरीगेशन एंड नलकूप तथा नलकूप सिंचाई। तो सबसे पहले मैं समझ जाऊँगा कि आपका नलकूप क्या होता है। देखिए, जब अभूभूमि यानी सब सॉइल की अनेक जलधारी परतों ये कह सकते हैं एक्वीफर्स को भेद कर उसमें पाइप व स्ट्रेनर डालकर, पाइप व स्ट्रेनर, तो देखिए स्ट्रेनर क्या होता है, जो छिद्रित पाइप होता है जिसमें छिद्र किए गए होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जिसमें होल किए गए होते हैं वो पाइप कहलाता है, आपका स्ट्रेनर कहलाता है। तो क्या है, उसमें पाइप व स्ट्रेनर डालकर यांत्रिक विधि से मैकेनिकल मेथड से पानी खींचा जाता है, तब इसे ट्यूबवेल कहते हैं। यानी क्या, अनेक जलधारी परतों को भेद कर उसमें पाइप डालकर और उससे पानी जो हमें निकालते हैं, पानी बाहर निकालते हैं आपका ग्राउंड सरफेस पे, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो ट्यूब वेल कहलाता है। और जब हम इस यानी कि ट्यूब वेल से जो हम वाटर मिल रहा है, ठीक है, जो वाटर हम खींच रहे हैं, इस वाटर को अगर आप इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तब वो कहलाता है आपका ट्यूब वेल इरीगेशन। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखिए आगे है इसमें कि जो आपके ट्यूब वेल होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डीप ट्यूब वेल, दूसरा होता है आपका शैलो ट्यूब वेल। देखिए डीप ट्यूब वेल क्या होते हैं कि गहरे ट्यूब वेल, यह कह सकते हैं कि डीप ट्यूब वेल से 200 लीटर पर सेकंड यानी जो रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो 200 लीटर पर सेकंड किससे मिलता है हमें, गहरे यानी कि डीप ट्यूब वेल से मिलता है। ये 50 से 300 मीटर गहराई तक खोदे जाते हैं, ठीक है। इनके जो डेप्थ होती है वो किस रेंज में होती है, 50 to 300 meters। ये जो डेप्थ होती है डिपेंड करती है कि हमें वाटर जो है, हमें सफिशियंट वाटर किस गहराई पे मिल रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये गहराई रखते हैं। बट मिनिमम कितनी होती है, 50 मीटर होती है, और मैक्सिमम 300 meters के बीच में ही हम इसे रखते हैं, ठीक है। और इनका जो व्यास होता है, ठीक है, जो आपके डीप ट्यूबवेल होती है इसका व्यास आपका 60 centimeters तक होता है। और देखिए ये जो ट्यूबवेल होते हैं ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो ये आपके स्टेट गवर्नमेंट का जो है विषय होता है, यानी कहते हैं जो आपकी राज्य सूची होती है उसका विषय होता है, यानी राज्य सरकार इन ट्यूबवेल्स को लगवाती है। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका शैलो ट्यूबवेल, या कहते हैं कि उत्तरी नलकूप, जो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, ये किसी सरकार के या फिर किसी योजना के तहत नहीं लगवाए जाते हैं, ये किसके, ये स्वयं जो है आपके जो किसान होते हैं, ठीक है, जो खेत के ऑनर होते हैं उनके द्वारा ही लगवाए जाते हैं। और इनकी जो डेप्थ होती है वो नॉर्मली 20 to 50 meters के अराउंड होती है, ठीक है, और इनसे जो डिस्चार्ज मिलता है आपको वो 15 liters पर सेकेंड तक पानी आपको इससे मिल जाता है, यानी जो डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है इसका, 15 liters पर सेकेंड के आसपास मिल जाता है। और इनका ब्याज भी कम होता है, 15 centimeters के समथिंग आपका जो है शैलो जो ट्यूबवेल होते हैं उनका ब्याज होता है। तो देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका डीप ट्यूबवेल क्या होते हैं और आपके शैलो ट्यूबवेल क्या होते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो आपका रेट ऑफ डिस्चार्ज है और आपका जो डायमीटर है, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में आपसे एग्जामिनर वाइव पूछ सकता है ये क्वेश्चन, और आपका जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे जेई वगैरह एग्जाम होते हैं तो उससे भी काफ़ी उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका, एक सामान्य नलकूप लगभग 8 hectares भूमि की सिंचाई कर सकता है, ठीक है। एक जो सामान्य नलकूप होता है वो वन डे, एक दिन में कितना, लगभग 8 hectares भूमि की सिंचाई कर सकता है, और ये जो है सामान्यतः 1.5 kilometers के लिए एक नलकूप पर्याप्त रहता है, ठीक है। तो 1.5 kilometers का एक एरिया होता है उसके लिए जो आपका डीप ट्यूबवेल होता है वो एक ही सफिशियंट रहता है, यानी इतने एरिया को वो एक ही ट्यूबवेल क्या है इरीगेट कर सकता है सफिशियंटली। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, सुइटेबल कंडीशंस फॉर ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल के लिए नलकूप के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, ठीक है। तो इसमें पहला है आपका क्या, स्थायी जलमार्ग, ठीक है, जिस जगह आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं यानी जो आपने साइट सिलेक्शन किया है ट्यूबवेल के लिए, तो उस एरिया में क्या है इसे पानी की, यानी कहते हैं कि इस ट्यूबवेल की स्थायी मांग होनी चाहिए, यानी वहाँ पर इसकी ये जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि निकट भविष्य में वहाँ पे कोई कैनाल वगैरह जो है कंस्ट्रक्ट की जाए तो इसका, इस पर जो आपका पैसा लगा हुआ होगा, ठीक है, जो भी इस पर व्यय किया गया होगा वो आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो क्या होना चाहिए कि स्थायी जलमांग होनी चाहिए और जो है कोई दूसरा सोर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका, पर्याप्त भूमजल। तो क्या है कि जब आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो है
सफिशियंट वाटर अवेलेबल होना चाहिए, यानी उस भूमि में क्या है, वाटर सफिशियंट होना चाहिए जिससे कि वहाँ के एरिया को इरीगेट कर सके। क्लियर, सेकंड हो गया आपका। थर्ड है आपका संचालन शक्ति। ठीक है, देखिए संचालन शक्ति क्या होता है आपका, कि जब आपने ट्यूबवेल लगाया है तो ठीक है, ट्यूबवेल किससे लगता है, किस ट्यूबवेल जो जो आपका जो चलता है, ठीक है, कहते हैं कि जो वो आपका वाटर हमें देता है तो वो किससे करता है, उसके लिए क्या चाहिए होती है आपको, पावर चाहिए होती है, यानी क्या चाहिए होती है उसके लिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो जहाँ पे आपने ट्यूबवेल लगाया है वहाँ पर क्या है कि सफिशियंट पावर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर पावर अवेलेबल नहीं होगी तो वो आपका वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है। इसलिए जहाँ ट्यूबवेल लगाया जाता है वहाँ पर सफिशियंट जो है पावर होनी चाहिए उसे ऑपरेट करने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट है आपका जल की गुणवत्ता। ठीक है, तो जब आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं तो पहले वहाँ का वाटर चेक करते हैं कि जिससे सब सॉइल से आप वाटर जो है खींचेंगे वहाँ का वाटर जो है वो आपके इरिगेशन पर्पज़ के लिए सूटेबल है या नहीं है, यानी उसमें जो है बेस ज़्यादा नहीं है, यानी कि जो लबड़ या क्षार जो होती है वो ज़्यादा जो है नहीं होने चाहिए उसमें। ठीक, यानी हमारी फसल के लिए जो है, हमारी क्रॉप के लिए जो है वो जो है अनुकूल होना चाहिए और उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट हमारी क्रॉप पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको जो यानी कि ट्यूबवेल लगाने से पहले ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका ट्यूबवेल क्या होता है आपका, और ट्यूबवेल इरीगेशन क्या होता है, और नेक्स्ट आपका कि सूटेबल कंडीशंस फॉर ट्यूबवेल, यानी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो कि आपका ट्यूबवेल जो है प्रॉपरली वर्क कर सकेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।